हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ पापिया। पापिया के किचन में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया रेसिपी लेके आई हूँ। आप सभी को पता है अभी नवरात्रि चल रहा है, तो जैसे आज जो मतलब डिश बना रही हूँ तो व्रत में भी ज़्यादातर लोग खाते हैं इसको बना के, तो मैं भी बना रही थी घर पर, तो आप सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो आज हम बना रहे हैं साबूदाना का खिचड़ी। तो साबूदाना का खिचड़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम व्रत में बना के खाएं, ऐसे भी हम खा सकते हैं बना। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ मतलब कौन कौन सा इंग्रेडिएंट लगा है हमें साबूदाना का खिचड़ी में। बहुत ही कम सामान चाहिए बस, मतलब ज़्यादा नहीं, घर पर ही बना मतलब रहता ही है इतना इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैंने साबूदाना लिया है। अभी साबूदाना को कम से कम मैं 3 से 4 बार अच्छे से धो लूँगी इस तरह, क्योंकि साबूदाना में बहुत ज़्यादा स्टार्च वगैरह रहता है, उसका पानी ड्रेन कर देंगे। अभी देखिए इसमें पानी नहीं है, तो अभी इसको भिगाना कैसे है। ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करेंगे, बिल्कुल जैसे इसमें बस साबूदाना डूब जाए। तो इसमें क्या होगा, जैसे खिले हुए जैसे साबूदाना होता है ना, उस तरह हो जाएगा। तो कम से कम आप कोशिश करना कि जब भी बनाओ उससे 3 से 4 घंटे तक आप भिगो के रख दीजिए इसमें, फिर वो दिख मतलब एकदम खिला हुआ एक एक दाना निकल के आए। ठीक है, इस तरह रखना जैसे बस डूब जाए। अभी हम इसको ढक के कम से कम 3 से 4 घंटे तक इसको रेस्ट करने देंगे। फ्रेंड्स देखिए, मतलब भिगो के रख दिया था ना, और जैसे हमें चाहिए खिचड़ी के लिए मतलब साबूदाना, बिल्कुल वैसे रेडी है एकदम, मतलब खिले हुए। देखे एक एक दाना एकदम ऐसे लग ही नहीं रहेगा भिगो हुआ जैसे साबूदाना, एकदम परफेक्ट है। लेकिन जैसे देखिए एकदम पूरा गल रहा है इसी तरह, फिर साबूदाना बन जाएगा। ये देखिए, तो हमें ऐसे ही चाहिए खिचड़ी के लिए एकदम खिले हुए। ये हमने क्या लिया है, यहाँ पर है हरी मिर्च। हरी मिर्च थोड़ा सा तीखा बनाएंगे, क्योंकि व्रत में जैसे थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है। यहाँ पे आलू उबले हुए हैं, इसको भी जैसे छोटे पीसेस में काट कर लिया है। थोड़ा सा धनिया पत्ता है, टमाटर है, टमाटर का मैंने बीज निकाल लिया है। कोई कोई ना जैसे व्रत में क्या करते हैं, टमाटर नहीं खाते, तो अगर आप नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हो इसको। मूँगफली है रोस्ट किया हुआ, तो इसका मैं क्या करूँगी पाउडर बना लूँगी। पाउडर मेरे को 2 चम्मच के करीब जैसे पाउडर चाहिए। यहाँ पे है कच्चा मूँगफली, इसको पहले हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं मतलब खिचड़ी बनाना। तो हमने यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी दिया है, देसी घी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो घी करीब मतलब गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हम ये मूँगफली है इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मूँगफली का जो मुँह है ये खुलने लगा है, इसका मतलब ये फ्राई हो गया है। तो अभी हम धीरे धीरे इसको निकाल लेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी जल जाता है। अभी हम इसे घी में देंगे जीरा, हरी मिर्च, ये थोड़ा सा दाल मतलब ज़्यादा लिया है, आप लोग अपने हिसाब से यूज़ करें। थोड़ा सा हल्का सा भुनेंगे इसको, हरी मिर्च भून गया है। अभी मैं इसके अंदर देंगे टमाटर, टमाटर देने के बाद मैं इसको लीड लगा के 1 मिनट तक रख दूंगी ऐसे ढक के। 1 मिनट हो गया है, देखो टमाटर को हल्का सा मतलब नरम होने के लिए रखा था, गलाना नहीं है। अभी हम इसके अंदर देंगे आलू, ये जो आलू हमने काट के रखा था। और फ्रेंड्स ये जो मतलब साबूदाना का खिचड़ी है इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग भी शाम का नाश्ता में भी जैसे खा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि व्रत में बनाओ। अभी इसको हल्का सा मतलब फ्राई करेंगे, एकदम झटपट जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है।
लेकिन आप लोग कभी भी बनाओ ना तो साबूदाना को जरूर 3 से 4 घंटे तक मतलब भिगो के रख देना, तो वैसे जैसे आप लोगों को मतलब दिखाया ना मैंने खिला हुआ एकदम वैसे ही मिलेगा, नहीं तो चिपचिपा सा होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। एक मिनट मतलब अच्छे से मतलब भून गया है, अभी इसके अंदर में ये जो साबूदाना है सारे इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और हल्का हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर दूंगी मैं 1 चम्मच चीनी, आप लोग भी चीनी का पाउडर भी दे सकते हो। फिर सारे चीज़ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने जो मूंगफली फ्राई करके रखा था इतना सा मूंगफली भी दे देंगे इसके अंदर, इसको भी मिक्स करेंगे। अब इसमें देंगे धनिया पत्ता, मैंने ढेर सारा दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही दिया है धनिया पत्ता, थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसको भी मिक्स कर लेंगे और मैं अभी एक मिनट तक मैं इसको लीड लगा के ऐसे ढक के रख दूँगी, मतलब सारे मसाले इसके अंदर जाए। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को और घर पे मतलब मेरे को कमेंट करके भी बताना है कैसा लगा है, मतलब जैसा मतलब जितना मैंने सामान दिया ना इसी चीज़ के साथ आप मतलब बनाओगे तो आपका जैसे खिचड़ी है ना एकदम ऐसे चिपक नहीं जाएगा, एकदम खिला हुआ बनेगा और दिखने में भी और खाने में भी उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मूँगफली लिया था ना रोस्टेड वाला, इसको ये पेस्ट बना के ऐसे पाउडर बना लिया है, तो यहाँ पर मैं कम से कम 2 चम्मच पाउडर यूज़ करूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा मतलब पाउडर दूंगी ना तो फिर उसका ही फ्लेवर आएगा, तो ज़्यादा टेस्ट मतलब कोशिश करना कि मेरे मैंने जिस जैसे बनाया है एक बार ऐसे बना के देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है कलरफुल देखने में, अभी बिल्कुल रेडी है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो आधा नींबू लिया है मैंने, अभी आधा मतलब गैस का सीम एकदम बंद कर देंगे, ऑफ करने के बाद मैं इसमें नींबू का रस निचोड़ दूंगी। बस रेडी है साबूदाना का खिचड़ी, अभी हम आप लोगों को सर्व करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए एकदम रेडी है हमारा साबूदाना का खिचड़ी, देखिए कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। आप लोग भी अपने घर पर जरूर एक बार ट्राई करना इस रेसिपी को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके मेरे को बताना मेरा रेसिपी आप लोगों को कैसा लगता है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।